नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मजदूरों पर कब संवेदनशील होगी गांव की सरकार? मनरेगा योजना के कार्य में जेसीबी से खोदी जा रही मिट्टी। बिहार के बछवाड़ा बेगूसराय में भूखे, बेबस और बेसहारा परदेशी मजदूरों का गांव आना जारी है। इस अभाव में सरकार अपना प्रभाव दिखाने के नुस्खे तलाश रही है। कोरोना कहर के बीच बिहार सरकार यह घोषणा कर चुकी है कि प्रदेश से लौटने वाले मजदूरों को गांव में ही रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। इस घोषणा के अनुरूप सरकार के पास मनरेगा से अच्छा कोई विकल्प भी नहीं है। शायद इन्हीं वजहों से मनरेगा अंतर्गत बड़े पैमाने पर योजनाएं शुरू की गई हैं, मगर बिहार सरकार के इस मंसूबे पर गाँव की सरकार पानी फेरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत अरबा पंचायत के वार्ड 3 में देखने को मिला, जहां कुछ दिनों पूर्व ही मनरेगा के अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद मापदंड बनाई गई, जिसके तहत उक्त स्थल पर पोखर निर्माण व उड़ाही कार्य करना है। इधर अचानक पंचायत के कार्य एजेंसी द्वारा 2 दिनों से इस कार्य स्थल पर मजदूरों को छोड़ बड़ी जेसीबी से मिट्टी खोदने का कार्य करवाया जा रहा है। बताते चलें कि मनरेगा योजना के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाली योजनाओं में मशीन का उपयोग करने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद उक्त पोखर खुदाई कार्य में बड़ी जेसीबी से मिट्टी खुदाई का काम किया जा रहा है, जिससे गांव के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जब लोगों ने पंचायत की मुखिया फूल कुमारी से बातचीत करनी चाही तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द खबरदार। सरकार बोल रही है कि जितना भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं वो सबको मनरेगा द्वारा काम दिया जाए। वो काम नहीं देके मुखिया अपने अंदर से जेसीबी पॉपलिन से पूरा काम कर रहे हैं। यह काम अच्छा है या बुरा वो आप लोग देखें। क्या नाम? राम प्रवेश यादव।